Hello students, good morning. My name is Rinku Kanojia. I am from Srihari International Public School. Now, how are you all of you? Oh, I also fine. I hope you can also fine at your homes, right? You can't coming in our school, right? So, this is running in online classes continue, okay? I hope you can understand all videos, all subjects easy. Now, टुडे वी आर लर्न दिस न्यू चैप्टर ऑफ EVS हाउसेज, हमारे घर जो होते हैं, राइट? घर 11 चैप्टर का नाम है हाउसेज, राइट? लेट अस लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ हाउसेज, हाउसेज के टाइप लिखने हैं और रूम्स इन माई हाउस, मेरी हाउस में कितने रूम्स है वो, राइट? उसके बारे में हम लर्न करने वाले हैं इस चैप्टर में. सो लेट अस स्टार्ट. डू यू रिमेंबर? ज्वाइन द डॉट्स एंड फिल इन द मिसिंग ब्लैंक्स, राइट? आपको क्या करना है, डॉट्स को ज्वाइन करना है और जो ब्लैंक दी है उसके बाजू में, राइट? इस साइड. सो यू राइट दिस मिसिंग ब्लैंक्स वर्ड, राइट? वो लेटर लिखना है आपको उस मिसिंग ब्लैंक्स में. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर. ओके, टेक योर पेंसिल एंड अंडरलाइन दिस लाइन्स. एवरीबडी नीड्स अ स्पेस टू लिव इन, राइट? सभी को अच्छे से रहने की स्पेस चाहिए होती है, ज़रूरत होती ही है अलग से, राइट? द स्पेस वी लिव इन इज कॉल्ड अवर हाउस. जिसको हाउस कहा जाए, जिस स्पेस मिलती है ना, उस स्पेस को रहने के लिए, जो रहने के लिए हमें स्पेस मिलती है, तो उस स्पेस को हम घर बनाते हैं, जिसको हम घर कह सकते हैं हमारा, राइट? अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, वाइन, रेन, एनिमल्स एंड थीव्स. हाउस, हमारा जो हाउस होता है वो हमें प्रोटेक्ट रखता है गर्मी से, ठंडी से, हवाएं से, रेनी से, एनिमल से और चोरों से, थीव से. ओके, नाउ नेक्स्ट लेट अस डू कलर द हाउस गिवन बिलो. जो पिक्चर दिया है उस पर कलर करना है. सर्कल द थिंग्स इट प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम, राइट? आपको प्रोटेक्ट करता हो जहाँ से. ओके, नाउ दिस इज़ योर होमवर्क. ओके, आपको ये कलर फिलअप करना है जो आपको प्रोटेक्ट रखता है इन सभी चीज़ों से, राइट? ओके, टाइप्स ऑफ हाउसेज, हाउसेज के टाइप देखते हैं. फर्स्ट, हाउसेज इन सिटीज एंड टाउन्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स, स्टील एंड सीमेंट, राइट? जो हमारा हाउस है, राइट, सिटी में जो हाउस होता है वो, और टाउन्स में भी हम बना सकते हैं, राइट? टाउन्स आर मेड ऑफ, टाउन में भी ब्रिक्स, स्टोन्स, पत्थरों, स्टील, ईंटों, वो सभी, सीमेंट, वो सभी से हमारा घर बनता है, राइट? दे आर कॉल्ड पक्का हाउस, जिसको हम पक्का हाउस कहते हैं, राइट? टाउन और सिटीज़ में बनने वाले कपड़े, सॉरी, घर को हाउस कहते हैं, राइट? पक्का हाउस कहते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन विलेजेस आर मेड ऑफ वुड, स्ट्रो, वुड एंड लीव्स, राइट? जो जैसे विलेज में, गांव में कैसे बने हुए होते हैं घर, मोस्ट ऑफली वुड से, स्ट्रो से, वुड एंड लीव से, राइट? इन सभी से बनने वाला जो हाउस होता है उसको कच्चा हाउसेस कहते हैं. वो लंबे समय तक नहीं टिक सकता है, राइट? सो उसको कच्चा हाउस कहते हैं. ओके, पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस. डू यू नो अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स, राइट? देयर वेयर नो हाउसेस लॉन्ग टाइम एगो. मोस्ट ऑफ जो लोग कच्चा हाउस में ज़्यादातर रहते थे पहले, राइट? अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स. देयर वेयर नो हाउसेज लॉन्ग टाइम एगो. वो पहले लॉन्ग टाइम तक ऐसे घर नहीं टिकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम्स टू आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स. अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स इज कॉल्ड अ ब्लैंक हाउस, राइट? मतलब कि जो हाउस बनाता है, राइट? सो ब्रिक्स यूज होता है. लुक एट हियर, मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टोन्स, स्टील एंड सीमेंट, राइट? सो वो कौन सा हाउस है? पक्का हाउस, राइट? कच्चा हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस, राइट? विलेजेस में ज़्यादातर ऐसा कच्चा हाउस मिलेगा. देर आर माइनली ब्लैंक टाइप्स ऑफ हाउसेज, मीन्स टू टाइप्स ऑफ हाउसेज, पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस. ओके, नाउ नेक्स्ट, रूम्स इन माई हाउसेज, मेरे हाउस में रूम्स के बारे में. माई हाउस हैज़ मैनी रूम्स, मेरे हाउस में कितने सारे ऐसे रूम्स है, राइट? अ रूम कंटेन्स अ रूफ, अ डोर, अ फ्लोर एंड विंडोज, राइट?
मेरे रूम में कितने सारे डोर है, फ्लोर है, विंडोज़ है, रूफ है, राइट। नाउ फर्स्ट इज ड्राॅइंग रूम, ओके। सो वी सीट एंड टॉक टू अवर गेस्ट इन द ड्राॅइंग रूम। हमारे ड्राॅइंग रूम में हम क्या करते हैं, गेस्ट जो आते हैं उनके साथ बैठते हैं और बातचीत करते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट डाइनिंग रूम, वी ईट ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर इन द डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट लंच डिनर वो सब हम खाना खाने बैठते हैं, ओके। दिस इज कॉल्ड डाइनिंग रूम। नाउ नेक्स्ट बेडरूम, वी स्लीप इन द बेडरूम। हम बेडरूम में सोते हैं, राइट। सम हाउसेज हैव मोर देन वन बेडरूम, राइट। कुछ ऐसे हाउसेज में ऐसे अलग से बेडरूम्स, मोर देन ज़्यादा से ज़्यादा बेडरूम ऐसे होते हैं वन, राइट। हर एक बेडरूम, हर एक हाउस में एक ऐसा बेडरूम होता ही है, राइट। नाउ नेक्स्ट किचन, वी कुक अवर फूड इन द किचन। खाना बनाने के लिए हम फूड को बनाने के लिए, फूड का खाना बनाने के लिए किचन यूज़ होता है, राइट। किचन में बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट बाथरूम, वी वॉश एंड बाथ इन द बाथरूम, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम्स टू आंसर, कंप्लीट द नेम ऑफ द रूम्स गिवन बिलो, राइट। आपको जो रूम दी है तो उसके लेटर आपको कंप्लीट करनी है ताकि वो अच्छे से स्पेलिंग पूरा बन सके, ओके। नाउ फर्स्ट इज डाइनिंग रूम, सेकंड इज बेडरूम, थर्ड इज किचन एंड फोर इज बाथरूम, राइट। आपको ये स्पेलिंग फिनिश करने हैं, टेक्स्ट बुक में देख लेना, इस चैप्टर में सभी के आंसर दिए हैं ये स्पेलिंग के, ओके। नाउ नेक्स्ट की टर्म्स, पक्का हाउस, अ हाउस मेड ऑफ ब्रिक्स, स्टील एंड सीमेंट, दिस इज कॉल्ड पक्का हाउस। कच्चा हाउस, अ हाउस मेड ऑफ मूड, स्ट्रो, वुड एंड लीव्स, ओके। नाउ नेक्स्ट, नाउ आई नो, द स्पेस वी लिव इन इज कॉल्ड अवर हाउस, राइट। अ हाउस में भी कच्चा और पक्का हाउस, कच्चा भी हो सकता है, पक्का भी हो सकता है हाउस, राइट। देर आर मैनी रूम्स इन अ हाउस, वी यूज डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, यस, ओके। नाउ लेट अस प्रैक्टिस, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, ओके। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स फिलिंग्स करनी है ऑप्शन को सही से सीट करने के। फर्स्ट इज अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम ब्लैंक, राइट। अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से हमें प्रोटेक्ट कर सकता है ना हमारा हाउस, यस। नाउ नेक्स्ट, ब्लैंक इज यूज टू मेक अ पक्का हाउस, अगेन ब्लैंक इज यूज टू मेक अ पक्का हाउस, सो सीमेंट इज यूज टू मेक अ पक्का हाउस, राइट, सीमेंट। नाउ नेक्स्ट, ब्लैंक इज यूज टू मेक अ कच्चा हाउस, सो मूड इज यूज टू मेक अ कच्चा हाउस, राइट। नाउ नेक्स्ट, वी शुड कीप अवर हाउस ब्लैंक नीट एंड क्लीन, मतलब कि नीट एंड क्लीन, हमारे घर को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, ओके। मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट इज कुक फूड, राइट। कहाँ पे हम फूड बनाते, कुक कहाँ करते हैं, खाना कहाँ बनाते हैं, सो किचन, सी आंसर। सेकंड स्लीप, सो बेडरूम, डी, राइट, स्लीप का विथ बेडरूम। मीट पीपल, सो ड्राइंग रूम, ए, एंड फोर हैव अ बाथ, सो आंसर इज बाथरूम, ओके। नाउ नेक्स्ट, विद द हेल्प्स ऑफ योर टीचर, आपकी हेल्प, आपके टीचर्स की हेल्प लेके रीअरेंज द लेटर्स, आपको जो लेटर दिए उसको रीअरेंज करके फॉर्म नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द ऑफ अ रूम ऑफ आवर हाउसेस, राइट। हमारे हाउस के जो अलग अलग पार्ट्स के रूम नाम दिए है, राइट, सो उसको रीअरेंज करके आपको पूरा वर्ड अच्छे से लिखना है, राइट। सो फर्स्ट इज आर ओ डी ओ, यानी कि उसको अच्छे से अगर बनाने चाहे तो डोर, डी डबल ओ आर, राइट, ओके। सेकेंड इज आर डबल ओ एफ, रूफ, ओके। एंड थर्ड इज फ्लोर, एफ एल डबल ओ आर, फ्लोर, राइट। एंड फोर इज विंडो, डब्ल्यू आई एन डी, डब्ल्यू आई एन डी ओ डब्ल्यू, राइट। नाउ नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज अ हाउस, हाउस क्या है, राइट। सो लुक एट दिस आंसर, हाउस, हाउस क्या होता है, सो एवरीबडी नीड्स अ स्पेस टू लिव इन, द स्पेस वी लिव इन इज कॉल्ड अवर हाउस, ओके। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज अ पक्का हाउस, पक्का हाउस किसको कहेंगे, सो लुक एट दिस पिक्चर,
हाउसेज इन सिटीज एंड टाउन्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स स्टोन स्टील एंड सीमेंट दे आर कॉल्ड पक्का हाउस एंड लुक एट हियर कच्चा हाउस मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन विलेजेस आर मेड ऑफ मुड स्ट्रॉ वुड एंड लीव्स सो दे आर कॉल्ड कच्चा हाउसेज ओके पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस नाउ नेक्स्ट वाई डू वी नीड अ डाइनिंग रूम राइट हमें डाइनिंग रूम की क्यों ज़रूरत होती है डाइनिंग रूम में आप क्या कर सकते हो सो वी ईट ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर इन द डाइनिंग रूम ओके नाउ नेक्स्ट वॉट इज़ अ ड्राॅइंग रूम यूज फॉर राइट ड्राॅइंग रूम में आप क्या यूज़ करते हो वो यूज़ क्यों होती है ड्राॅइंग रूम सो वी सीट एंड टॉक टू आवर गेस्ट इन द ड्राॅइंग रूम ओके आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन आंसर आई होप यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज यू कैन अंडरस्टैंड राइट फर्स्ट दिस चैप्टर इज कम्प्लीट आफ्टर दिस एक्सरसाइज कम्प्लीटेड अगेन वॉच दिस वीडियो दिस चैप्टर राइट आफ्टर एनी डाउटफुल एनी टॉपिक एनी पॉइंट सो यू कॉल अस टू फील फ्री ओके ऑल्सो यू राइट इन योर नोटबुक दिस एक्सरसाइज वन टाइम टाइम्स टू आंसर ऑल्सो राइट एंड टू और थ्री टाइम यू लर्न इट ओके नाउ आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ओके बाय टेक केयर